सर तन से जुदा कट्टरपंथी मानसिकता एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों का समूल विनाश। बुराई का प्रतीक तो अकेला रावण है, उसी के उस कृत्य से पूरी लंका का विनाश हुआ। सत्तर 80% युवा आ रहा है, युवा जानना चाहता है हम क्या हैं, हमारे आराध्य कौन हैं, उनकी उनकी लीलाओं के माध्यम से अपने को उतारना चाहता है। हर पिता अपने बच्चे को राम देखना चाहता है, हर पिता माता अपने बच्चियों को सीता देखना चाहती हैं। तो सत्य पर सत्य की जीत पर आधारित दशहरा का त्यौहार की तैयारियां जो है वो जोरों पर है और हमारे साथ रामलीला समिति के संयोजक आदित्य जी हैं। आदित्य जी, इस बार क्या थीम रखी गई है रावण दहन की? पुतला दहन की। एक बुराई का हम लोग हर बार अंत करते हैं, हमने गौहत्या का रावण जलाया, लव जिहाद का जलाया, में भ्रष्टाचार का रावण जलाया और तुष्टिकरण का रावण जलाया, बहुत सारे ऐसे प्रसंग विषयों पर रावण जलाया और सब पर कानून बना है, सब पर कार्रवाई हो रही, ये जनभावना है। जनभावना को पुतले के माध्यम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, सरकारें उन पर काम करती हैं। अब की जनभावना जो समाज में तैर रही है, हर जगह अखबारों में, मीडिया में, सब जगह देखने को मिलता है, सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय है सर तन से जुदा कट्टरपंथी मानसिकता एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों का समूल विनाश। अब की का पुतला दहन हमारा इसी विषय पर होने जा रहा है, इसको भारत पसंद नहीं कर रहा है और न करना चाहिए। हम बुद्ध के देश हैं, बुद्ध हमारे यहाँ जन्मे हैं, अहिंसा परमो धर्मा का हमारा वो है, वसुधैव कुटुंबकम वाले हम लोग हैं, तो यहाँ इस मानसिकता की कोई गुंजाइश नहीं। हम इसको उन देशों की भांति नहीं देखना चाहते जहाँ कट्टरपंथी मानसिकताओं ने पूरा देश बर्बाद कर दिया। इस मानसिकता पर कानून बनना चाहिए, इस पर अंकुश लगना चाहिए और इसलिए हम पुतला दहन के माध्यम से सरकारों को संदेश देते हैं कि जनभावना जो है वो ये है कि हम इन सब चीज़ों को अखबारों की हेडिंगों में नहीं देखना चाहते, इनका अंत होना चाहिए। इस बार 300 साल पुरानी जो परंपरा है वो भी टूट रही है, केवल रावण का पुतला दहन होगा, कुंभकर्ण और जो मेघनाथ है उनका पुतला दहन नहीं होगा, इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? वजह तो साफ साफ है, हमारी सारी रामायणों में वर्णित है। कुंभकर्ण को जगाया गया तो सबसे पहला वाक्य था कि साक्षात जगदम्बा को उठा लाए हैं वो, और ये जगदम्बा जब तक रहेंगी माता सीता यहाँ तो रक्ष संस्कृत का विनाश हो जाएगा। तुरंत जाता है, रावण से संवाद करता है, तमाम उद्धरण देता है, वेदों के उद्धरण देता है, नीत के श्लोकों को पढ़ता है और बताता है कि आपको जो वरदान ब्रह्मा से प्राप्त है उसमें नर और वानर दोनों से आपको रक्षा नहीं दी गई है, इसलिए राम नर रूप में हैं, सुग्रीव वानर रूप में है, ये अच्छा संकेत नहीं, ये विनाश का संकेत है, इसलिए युद्ध को सीता से को वापस करके संधि करें। रावण कहता है तुम युद्ध से डरते हो, जाओ फिर से सो जाओ, मैं अकेला युद्ध लड़ूंगा। कहीं ऐसा नहीं हो सकता, बड़ा भाई युद्ध स्थल में हो और छोटा भाई घर में बैठे, मैं अपने बलिदान के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं युद्ध में मारा जाऊँ तो आप मुझको नारायण के अलावा कोई नहीं मार सकता, तो आप ये समझ जाइएगा ये नारायण हैं और संध कर लीजिएगा। इसी तरह मेघनाथ को तो पहले तो घमंड था कि मेरे पास इतने अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र हैं, मैं इनका प्रयोग करके इन पर विजय प्राप्त कर लूँगा। सारे अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग किया, नारायण अस्त्र का भी प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया, सारे जब ये दिव्यास्त्र फेल हो गए तब वो भाग करके युद्धस्थल से रावण के पास जाता है, कहता है कि नारायण अस्त्र तो नारायण के अलावा कोई नहीं इसको काट सकता और वो भी फेल हो गया है, ये साक्षात नारायण हैं जिनसे आप युद्ध कर रहे हो और ये हमारी रक्ष संस्कृत हमारे लंका का विनाश कर देगी, इसलिए आप माता सीता को वापस करके संधि कर लें। रावण ने कहा युद्ध स्थल से डर के भाग आए हो इसलिए आलाप कर रहे हो, तो रावण ने इसको धिक्कारा तो कहा नहीं, मैं भागा हुआ योद्धा नहीं बनना चाहता, मैं युद्ध स्थल में जा रहा हूँ अपना बलिदान देने के लिए ताकि मैं इतिहास में अपने नाम को कलंकित न कर सकूं, अपने कुल को कलंकित न कर सकूं। अगर मैं भी काका की तरह मारा जाऊं तो आप संधि कर लीजिएगा, लंका को बचा लीजिएगा। रावण नहीं माना, इसलिए बुराई का प्रतीक तो अकेला रावण है, उसी के उस कृत्य से पूरी लंका का विनाश हुआ, रक्ष संस्कृत का विनाश हो गया। इसलिए कभी किसी शासक को अपने भाइयों कुटुंबजनों को और दरबारियों को मंत्रियों की उनकी सलाह को मानना चाहिए, जो नहीं मानता है वो लंका की तरह उसका विनाश हो जाता है।
जी एक चीज़ और, रामलीला का मंचन लगातार जारी है, इस बार कितना उत्साह देखने को मिल रहा है लखनऊवासियों को? इस साल इतना अधिक उत्साह है कि अब की तो ना तो हम कार्ड कायदे से बांट पाए, ना निमंत्रण दे पाए, और पूरा हाउसफुल हमारा मैदान रहता है, एक से एक सट के लोग खड़े होते हैं, तो ये उत्साह ही बताता है कि रामलीला का मंचन पीढ़ी दर पीढ़ी मर्यादा पुरुषोत्तम हर बार देखो तो हर बार कुछ नया, नई सोच पनपती है। इसीलिए नहीं, एक बार फिल्म देख लो तो दोबारा देखने का मन नहीं करता। रामलीला सैकड़ों सालों से चली आ रही है, हर साल भीड़ होती है, क्या कारण है? उसमें तमाम ऐसी हमारी जीवन शैली, राम रामायण हमारी भारतीय संस्कृति की जीवन शैली है, आचार संहिता है, इसलिए रामलीलाओं में इतनी भीड़ होती है। और इस भीड़ में सब अब तो 70-80% युवा आ रहा है, युवा जानना चाहता है हम क्या हैं, हमारे आराध्य कौन हैं, उनकी लीलाओं के माध्यम से अपने को उतारना चाहता है। हर पिता अपने बच्चे को राम देखना चाहता है, हर पिता माता अपने बच्चियों को सीता देखना चाहती हैं। तो उनके आदर्शों पर भारत चला है, आगे भी चलेगा, राम राज्य आएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। बिल्कुल, तो भारत विश्व गुरु बनेगा और दशहरा की जो तैयारियां हैं वो जोरों पे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि ये वो रावण है जो बनकर तैयार हो चुका है, लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है। 70 फीट का ये रावण है और कुल मिलाकर देखा जाए तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अगर ऐशबाग रामलीला समिति की बात करें तो दशहरा के पर्व को धूमधाम से मनाने की जो तैयारियाँ हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार 300 साल पुरानी जो एक परंपरा है वो टूट रही है, क्योंकि इस बार केवल और केवल जो रावण का पुतला है उसी का दहन हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो रामलीला का मंचन हो रहा है वो भी एकदम सर्वोपरि है, और कहीं ना कहीं जो लखनऊवासी हैं उनकी भी धूम इस बार देखते ही बन रही है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।